इंदौर जिला कोर्ट में बार एसोसिएशन के ऑफिस में एक मास्क अन्य जिंदगी अभियान के अंतर्गत मास्क का वितरण किया गया और नागरिकों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु मास्क बांटे गए। साथ ही मास्क लगाने की अपील भी की गई और महिलाओं द्वारा एक नाटक की प्रस्तुति की गई जिसमें कोरोना की रोकथाम और उससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लगातार सैनिटाइजर का उपयोग करने जैसे कई संदेश दिए गए। साथ ही कहा गया कि घर पर साफ सफाई का ध्यान रखने और जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस अभियान में पूरी तरह जारी रखा जाएगा, जनता को भी जागरूक किया जाएगा। इस अभियान में कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार मास्क और मास्क बनाने हेतु कपड़ा दे सकता है ताकि शहर का कोई भी व्यक्ति बगैर मास्क का न रहे और इस तरह के बचाव में हम कोरोना से बचते रहें, कोरोना को हराकर फिर से सामान्य जिंदगी की शुरुआत हो। इंदौर ब्यूरो के साथ मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। मेरा मैसेज नागरिक भाई और बहनों को यही है कि यह खूबसूरत ज़िंदगी जो ईश्वर की अमानत है, इसको असमय जो कोरोना के द्वारा निकला जा रहा है, इसका हम मुस्तैदी से हिंदुस्तानी नर और नारी कभी भी संकट के टाइम घबराते नहीं हैं। लेकिन ये हमला हमारे बुजुर्गों और बालिकाओं और बालकों को सबसे ज़्यादा हो रहा है। हमें अत्यंत सचेत होकर ये प्रयास करना चाहिए कि घर का कोई भी बालक या बुजुर्ग असमय तो बाहर जाए नहीं। यदि जाता है अपने कर्म करने के लिए ज़रूरी काम से, तो वह मास्क लगाकर, गर्म पानी पीकर और 2 गज की दूरी बनाकर और सेहत वाली चाय और काढ़ा को पीकर इम्यूनिटी अपनी आंतरिक रूप से मजबूत करे। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता और मास्क भी स्टैंडर्ड रूप का लगाए, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखे मास्क में। इंदौर अभी स्वागत ने ये जो कार्यक्रम संगार श्रीवास्तव जी ने नगर निगम में जो संसद के सहयोग से किया है, मैं उसकी सफलता की कामना करता हूँ और इंसानी जिंदगी के उज्जवल भविष्य और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।